मैं आई थी आज एक लेटर देने के लिए कि सीसीटीवी फुटेजेस अभी तक क्यों नहीं आई है मेरे एडवोकेट ने एक लेटर के दिया जो मैं शो करना चाहूंगी ये लेटर मेरा लिया नहीं गया आज जो इंसिडेंट मेरे साथ पुलिस स्टेशन में हुआ है दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल खिल सर जिनका नाम है निकिल इज अंस्टेबल ही इज से आपको क्यों बताए आप, आप कौन होते हो तो मैंने उनको अच्छे से ही बोला मैंने बोला सर मैं अपडेट लेने आई हूँ सज़ा तो मुझे पता है जेल हुई थी टेबल जामिन पे छूट गया है तो बोलते तो अभी क्या करना है मतलब सर कहीं ना कहीं आपको भी ये पता है कि अगर एक इंसान कोई क्राइम करता है वो जामिन पे या बेल पे छूट जाता है तो आपके लिए ये चीज़ ओके होती होगी बट हमारे सोसाइटी के लिए हमारे लोगों के लिए दिस इज़ नॉट ओके तो ये कुछ जो कांस्टेबल रहे हैं निखिल उनका ये कुछ बयान रहा है कि सर अगर आपको ये यूनिफॉर्म दिया गया है तो ये लोगों की यू नो हेल्प के लिए दिया गया है अगर आपकी तरफ से ही हमें ये रिस्पॉन्स आएगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे मेरे पेरेंट्स अगर आएंगे अप फ्रंट तो वो आके अदनान का ही सपोर्ट करेंगे मुझे ब्लॉक कर दिया गया है उनके फोन पे से मतलब मेरा कॉल एक रिंग जाएगा कट हो जाएगा सेम मॉम के साथ भी वही चीज होगी और मेरे से किसी ने भी कॉन्टेक्ट नहीं किया है एक बेल जाके वही जैसा ब्लॉक हो जाता है मैं इनशाला से चाहे मुझे कोई सपोर्ट करे इस चीज में या ना करे मैं मेरी लड़ाई लड़ूंगी जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा हाय एवरीवन मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे बजू का वेल जैसे कि आपको पता है काफी दिनों से काफी चीजें बज में चल रही है जैसे कि आपको पता है बिग बॉस अभी जो सीजन थ्री आया था उसमें आपने देखा है अदनान शेख को उनकी बहन आज हमारे साथ है काफी दिनों से कंट्रोवर्शियल चल रही है चीजें उनके और उनके भाई के बीच में वैल चलिए फिर से हम आ चुके बांगू नगर पुलिस स्टेशन के बाहर आज भी आप किसी चीज़ के लिए सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि आप यहाँ पे आए हो और शायद आपकी कुछ चीजें नहीं सुनी गई है right. क्या है आ, जो इंसिडेंट जो भी इंसिडेंट हुआ है जैसा कि सब लोगों को पता है ये हुआ था लास्ट सैटरडे को और आज है संडे hmm. तो मैं बस वो इंसिडेंट की अपडेट लेने यहाँ पे आई थी कि सर क्या हुआ सीसीटीवी वी वगैरह निकले हैं या नहीं एंड क्या कार्रवाई की गई मेरा फर्ज बनता है अगर मैंने एफआईआर की है तो अपडेट लेना भी मेरा फर्ज बनता है तो जो सर थे निखिल सर जिनका नाम है निखिल इज अ कॉन्स्टेबल ही इज सेंग कि आपको क्यों बताए आप आप कौन होते हो द मतलब सज़ा भी आप दिलाओगे क्या हमारा काम है तो मैंने उनको अच्छे से ही बोला मैंने बोला सर मैं अपडेट लेने आई हूँ सज़ा तो मुझे पता है जेल हुई थी टेबल जामिन पे छूट गया है तो बोलते तो अभी क्या करना है लाइक दिस वाज द टोन ही वाज टॉकिंग विथ मी एंड मैं आई थी आज एक लेटर देने के लिए कि सीसीटीवी सी अभी तक क्यों नहीं आई है मेरे एडवोकेट ने एक लेटर लिख के दिया जो मैं शो करना चाहूँगी Uh, ये लेटर मेरे एडवोकेट ने दिया है ये देखो एडवोकेट शब्बीर शौरा दैट इज माय एडवोकेट इन्होंने एक लेटर दिया था आज डिस्पैच करने के लिए कि आप दे दो बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी मेल डाले थे रिगार्डिंग द फुटेज बट यहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया है ना ही हॉस्पिटल की तरफ से अभी देखो मैं अगर हॉस्पिटल जाती हूँ सीसीटीवी लेने के लिए तो हॉस्पिटल वालों का यही है कि हुआ यू पुलिस है जिसको हम एड्रेस करेंगे आप मतलब आप कोई नहीं होते जिनको हम दें तो ये काम पुलिस का होता है और पुलिस का फर्ज़ बनता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कराएं बिकॉज ये सारी चीज़ें मीडिया पर बहुत तेज़ी से फैल चुकी है तो ये लेटर मेरा लिया नहीं गया आज संडे है अंदर कोई भी लेडी कांस्टेबल मौजूद नहीं है मेरे पूछने पर भी कि सर यहाँ कोई लेडी कांस्टेबल क्यों नहीं है वो बोलते अंदर अंदर रूम में है जाके देख लो एंड मैं क्यों जाके देखूँ सामने होना चाहिए बिकॉज लास्ट टाइम भी जब मैं एफ़आईआर करने आई थी या एन करने आई थी तब भी यहाँ पर मुझे कोई लेडी कॉन्स्टेबल नहीं दिखी है तो उन्होंने ये लेटर जो मैं देने आई थी वो लेने से मना कर दिया है अभी और कोई अपडेट देने से भी मना कर दिया साफ साफ मना कर दिया है तो मैं यहाँ से अभी निकलूँगी जाके मेरे लॉयर को बताऊँगी कि सर देखो ऐसा ऐसा है इन्होंने लेटर लेने से साफ इनकार कर दिया है Uh, well, इसके अलावा जैसे कि आप अभी कह रहे हो कि आप अंदर गए थे आपकी चीजें नहीं सुनी उन्होंने तो क्या वो जो छोटी सी एक recording है जिस तरीके से जी, वो मैं ये फुल रिकॉर्डिंग तो मैं जो मेरे चैनल के थ्रू जो अपडेट मैं दे रही हूँ वहाँ दे दूंगी बट मैं थोड़ी सी रिकॉर्डिंग क्योंकि अभी आ? जस्ट हाल फिलहाल का है ये तो वो मैं सुनाना पसंद करूँ जो थे आपको

तो पुलिस वाले का ये कहना है उसके बाद हम क्या कर सकते हैं अगर वो टेबल जामिन पे छूट गया है तो हम क्या कर सकते हैं मतलब सर कहीं ना कहीं आपको भी ये पता है कि अगर एक इंसान कोई क्राइम करता है वो जामिन पे या बेल पे छूट जाता है तो आपके लिए ये चीज़ ओके होती होगी बट हमारे सोसाइटी के लिए हमारे लोगों के लिए दिस इज़ नॉट ओके इससे तो क्राइम्स रुकेंगे नहीं क्राइम्स बढ़ते ही जाएंगे क्योंकि जो क्रिमिनल है उसको कहीं ना कहीं ये पता होगा कि मैं अगर पैसे दूंगा बेल पर निकल जाऊँगा तो मैं वापस से वो चीज़ कर सकता हूँ तो ये कुछ जो कांस्टेबल रहे हैं निखिल उनका ये कुछ बयान रहा है oh well, इसके अलावा जैसे कि हमने तो देखा है कि आपके और आपके भाई के बीच में जो भी इंसिडेंट था काफी उतार चढ़ाव थे बट अभी आपको भी काफी थ्रेट सारे बिकॉज आपकी आपने कुछ बोला या फिर आमिर जो उनके दोस्त आप कह रहे हो कि उन्होंने भी आपको लेके कुछ बोला था और आपकी जो मैरिज जो पहले हो चुकी है वो सारी चीज़ें भी बाहर ला दी गई है क्या ये सही तरीका है देखो किसी के लिए भी मतलब कोई भी लड़की के लिए ये सारी चीज़ों को डील करना पहले बात तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है बिकॉज बात आती है मेरे पास्ट की या देखो किसी का भी पास्ट होता है वो इंसान उस पास्ट से रिकवर करने में डील करने में काफ़ी टाइम यू नो जुटा देता है और मेरा भी जो पास्ट रहा है हालांकि मेरी फैमिली मेरे इन लॉज सारे ही लोगों को ये चीज़ के बारे में पता था बट अब वो चीज़ें सोशली डाली जा रही है या डलवाई जा रही है अब वो जो मेरा लास्ट एक्स हस्बैंड का डिवोर्स पेपर्स है वो उस पर सिग्नेचर अदनान के थे तो वो ज़ाहिर सी बात है वो मेरे पास और अदनान के पास ही थे मैंने तो कहीं डाला नहीं अदनान डाला है तो ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं ना ये कहीं ना कहीं मुझे ये मतलब बताया जा रहा है इनडायरेक्टली कि तुम ये मतलब एफ आफ, आई आफ, आर या जो भी तुम कार्रवाई कर रही हो बंद कर दो वरना तुम्हारा जो यू you नो know, रियलिटी वो हम सामने ले आएंगे तो मुझे इससे कोई टेंशन नहीं है देखो अगर सामने चीज़ें सामने आ ही रही हैं तो मैं तो आके अप्रेंडली बता ही रही हूँ पूरा क्या था क्या नहीं था मेरे इन लॉज हस्बैंड सपोर्ट कर ही रहे तो मुझे इस चीज, चीज का टेंशन नहीं है लेकिन हाँ जो मेरे साथ गलत हुआ है अगर आप ये सोचोगे कि मैं चुप हो जाऊँ या उस पर कार्रवाई नहीं करूँ तो ये नहीं होने वाला इफत जब तक जिंदा है या जब तक मैं अलाइव हूँ जब तक जैसे मुझे थ्रेट्स वगैरह मिले हैं अदनान ने मेरे हस्बैंड को भी बोला था यहाँ से लेकर दुबई तक यू नो पहचान है मेरी टच है फेम है पैसा है तो जब तक मैं जिंदा हूँ या मैं जब तक रहूँगी मैं इस चीज़ के लिए फाइट करूंगी जब तक का इंसाफ नहीं मिलेगा आई विल स्टैंड द सेम वे आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द फर्स्ट डे पर क्या हुआ एक भाई बहन जो हम कहते हैं ना कि वो बहुत प्योर रिश्ता होता है कि आप जब राखी बांधते हो या ऐसा होता है तो भाई बहन की रक्षा करने का वादा करते हैं बट कहीं ना कहीं आपको जो चोट दी गई है आपके जो इन लॉज है उनको उनके ऊपर भी हाथ उठाया गया है दोनों की दूर मतलब बीच में जो दरार आई है उसकी वजह क्या है Uh, उसकी वजह तो सबसे पहले है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स अंडरस्टैंडिंग्स कम्युनिके लैक ऑफ कम्युनिकेशन अगर कोई इंसान में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो वो दोनों का फ़र्ज़ बनता है कि वो बैठ के चीज़ें सॉर्ट आउट करे और बाकी थर्ड पर्सन का भी इसमें बहुत ही अहम रोल आता है कि जो थर्ड पर्सन होते हैं वो कहीं ना कहीं चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे जो कि ये जो हमारे भाई बहन के रिश्ते में है किसी ने नहीं किया अगर किया गया है तो सुलझाने का तो नहीं बट उलझाने का काम बखूबी किया गया है बाय हिज़ ओन वाइफ Uh, क्योंकि देखो अगर एक हस्बैंड वाइफ है तो जाहिर सी बात है एक शोहर अपनी बीवी की सुनता है और एक बीवी अपनी शोहर की सुनती है तो अगर कहीं ना कहीं वो चाहती अदनान को समझाना सुलझाना क्योंकि मैं एक ही बहन हूँ उनकी अदनान की और हमारा बॉन्ड उसको भी पता था कितना अच्छा और कितना प्योर था तो वो चाहती तो चीज़ें सुलझ सकती थी बट उसने कोई कोशिश ऐसी की नहीं होगी सिवाय भड़काने की तो कह सकते कि एक भाई बहन के बीच में जो दरार आ रहा था वो तीसरा रीज़न कोई और नहीं उनकी वाइफ थी राइट बट ये जब आपको पता था कि शेज हिंदू जैसे आप बोल रहे हो कि वो पहले से कन्वर्ट होना चाहते थे जब ये ये सारी चीजें आई और आज, आज आप भी भी कह रहे थे कि मतलब पहले कि आपके पेरेंट्स अलाउड नहीं करे right. थे उस शादी के लिए right. तो ये सारी चीजें जब पता थी तो पहले क्यों नहीं रोकी गई जो अब ये सारी चीजें बाहर आई uh, रोकने की तो पूरी कोशिश की गई थी नो डाउट माई पेरेंट्स आड यू नो डिड ऑल पॉसिबल थिंग्स की अदनानिया शादी नहीं करे और हमने भी उसे समझाने की पूरी कोशिश की थी बट जैसे कि पता होता है कि लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं तो पूरी तरह से अदनान प्यार में अंधा हो चुका था अब पेरेंट्स का काम होता है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना अब उनका जो उनकी जो औलाद है वो उस पर अमल करे या नहीं करे वो तो अदनान की तरफ से था तो उसने कही न, कहीं ना कहीं नहीं सुनी एंड उसने पूरी कोशिश की अब माँ बाप भी मजबूर हो जाते हैं बच्चों के फैसलों पर तो मजबूर में मजबूरी में आके पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर ली है चीज़ें तो यही रहा है कि पहले नहीं मान रहे थे बट लास्ट में अदनान से हार के वो लोग मान गए हैं इस चीज़ के लिए आपके पेरेंट्स का आपको लेकर कितना सपोर्ट है इस वक्त इस वक्त अगर मैं सच कहूँ मैंने लास्ट में जहाँ पे भी इंटरव्यू दिया है मैंने साफ कहा था कि देखो मैं कोई इन्फ्लुएंसर या स्टार नहीं हूँ कि मेरे पेरेंट्स आएंगे मुझे सपोर्ट करने और मैं बेटी हूँ जैसे कि हमारे समाज में बोला जाता है बेटी पराई होती है तो मैं ऑब्वियसली पराई हो चुकी हूँ तो मैंने पहले भी बोला था आज भी बोल रही हूँ मेरे पेरेंट्स अगर आएंगे अब फ्रंट तो वो आके अदनान का ही सपोर्ट करेंगे कि हाँ कहीं कही ना कहीं वो चाहेंगे कि उसके जो फेम है उसकी जो इमेज है वो सोशली खराब ना हो बाकी पेरेंट्स से मेरी कोई बात नहीं की हो पा रही है अगर आप चाहते हैं मैं अभी कॉल करूं तो मैं अभी कॉल करके भी आपको बता सकती हूं कि मुझे ब्लॉक कर दिया गया है उनके फोन पे से मतलब मेरा कॉल एक रिंग जाएगा कट हो जाएगा सेम मॉम के साथ भी वही चीज़ होगी और मेरे से किसी ने भी कॉन्टैक्ट नहीं किया है खैर खैरियत पूछने के लिए हो या कोई चीज पूछने के लिए मेरे मुझे किसी का भी कॉल नहीं आया है इफ़ यू वॉन्ट आई कैन कॉल माई फादर और मदर फॉर द सेम the number you have dialed is currently busy please try later एक बेल जाके वही जैसा ब्लॉक हो जाता है तो ये चीजें रही हैं और मैंने बोलना भी छोड़ दिया है बिकॉज़ मैं आई बिलीव मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकूं बात आती है मेरे शौहर और मेरे इन-लॉस की तो उनका तो सपोर्ट बना ही है तो मैं इंशाल्लाह से चाहे मुझे कोई सपोर्ट करे इस चीज में या ना करे मैं मेरी लड़ाई लडूंगी जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा काफ़ी लोगों ने तो ये भी कहा कि आपने खुद एक लव मैरिज किया जो आपके पेरेंट्स ने अग्री किया तो अगर अदनान ने किया तो आपको प्रॉब्लम क्या थी आ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी अदनान की मैरिज है इनफैक्ट अदनान ने सबसे पहले मुझे ही बताया था कि देख ऐसी ऐसी लड़की है एंड मैंने भी उसको एज अ सिस्टर समझाने की कोशिश की थी कि भाई देखो ऐसा ऐसा है मुझे प्रॉब्लम नहीं है तुमको नहीं है लेकिन हमारे पेरेंट्स को प्रॉब्लम होगी और बात आती है कि मुझे उसके लव मैरिज से प्रॉब्लम तो तो जी नहीं मुझे उसकी लव मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी आई वाज द वन हु वाज सपोर्टिंग हिम एंड हर दोनों को मैं सपोर्ट कर रही थी मिलना जुलना था हमारा काफ़ी इनफैक्ट जो मेरे अभी फ़ोटोज़ वायरल किए जा रहे हैं वो रिद्धि के साथ I mean, आई मीन आयशा जो है उसके साथ ही खिंचाए गए थे उसको क्रॉप करके बहुत ही यू you नो know, अच्छी तरीके से उसको क्रॉप करके मेरी फ़ोटो वायरल की जा रही है और रिद्धि की नहीं की जा रही है बट uh, जैसे कि आपने कहा कि रिद्धि ने आपसे ही कहा था कि उन्हें कन्वर्ट होना है तो और एक जो आपका स्टार्टिंग का एक था जो आपने बोला था कि मेरे भाई ने एक नेक काम किया है उसको लेकर भी काफी आप बज में हो रहे हो क्योंकि काफी लोग पसंद नहीं करे उसका क्या है Uh, देखो मैं कोई सोशल इन्फ्लुएंसर हूँ नहीं और मैंने ऐसे इंटरव्यूज़ पहले कभी दिए नहीं हैं कैमरा कॉन्शियस मैं हूँ नहीं तो स्लिप ऑफ टंग हो जाती है उस दौरान मेरा वो कॉन्टेक्स्ट बोलने का मतलब ये था रिद्धि को वो चीज़ पसंद थी इस्लाम में आना इस्लामिक चीज़ें वो ऑलरेडी करती आई थी उसने ये तक मुझे कहा था कि अब भले मेरे अदनान से शादी नहीं भी होगी तो भी मैं कन्वर्ट होंगी तो अगर एक इंसान वो चीज़ पसंद करता है और वो उसके साथ हो जाती है तो आई बिलीव वो उसके लिए तो एक अच्छा ही काम होगा तो मैंने वो कॉन्टेक्स्ट में बोला था बाकी ज़बान है

इंसिडेंट वाले टाइम पे आमिर ने कहा था ये कैसी लड़की है मैं जानता हूँ उसके पहले जब मैंने इनके दोस्तों को अप्रोच किया था तो किसी ने मुझे बोला था तुम छोटी हो समझ के लो किसी ने बोला था मेरा दोस्त है मैं उसके साथ दोस्ती खराब नहीं करना चाहता हूँ तो मैं नहीं पढ़ूंगा बीच में और भी उनके जो दोस्त है वो बोले कि क्या होगा क्या कर लेगी कुछ मतलब यही था कि फैलाने फुसलाने की पूरी कोशिश की गई थी उसके बाद मैंने किसी को भी अप्रोच करना बंद कर दिया मैंने बोला मैं देख ली हूँ एट दी एंड वो उसके दोस्त है मेरे थोड़ी दोस्त है मुझे थोड़ी सपोर्ट करेंगे तो मैंने उनको अप्रोच करना बंद कर दिया ये तो ये हो गई बात बट इसके अलावा जैसे आप कह रहे हो कि अभी आप लॉयर को मिलने वाले उन्होंने आपको कितना सजेशन दिया कि जैसे आज आप आए और आपकी चीजें सुनी नहीं गई तो उन्होंने आपको भी क्या सजेशन दिया सजेशन मेरे लॉयर का यही आया है कि हम चीजें जितना लीगली करेंगे उतना अच्छा होगा देखो इंसान गुस्से में आके अब मेरी वो चीज़ें अगर पोस्ट होंगी तो मुझे भी गुस्सा आएगा मैं भी चाहूँगी कि मैं भी यू नो सोशली ही उसका जवाब दूँ बट लॉयर ने मुझे मना किया इस चीज़ के लिए तो मैं नहीं कर रही वो चीज़ बात आती है कुछ कुछ ऐसी लड़कियों पर मतलब मुझे शर्म आती है उनको लड़कियाँ बोलने में बिकॉज कुछ ऐसी लड़कियाँ हैं जो मेरे फीड में आके ऐसे ऐसे कमेंट्स वाहियात से कमेंट कर रहे हैं और फिर जब मैं उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपने स्टोरी पे डाल रही हूँ तो मेरी आईडी को यू नो एक्टिवली रिपोर्ट किया जा रहा है या तो आप ऐसा काम करो मत कि मैं एक्शन लूँ तो फिर आपको भागना पड़े या तो फिर अगर कर रहे हो तो पहले पूरी चीज़ों को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो रिसर्च करो कि क्या बात है दरअसल क्या हुआ है क्या नहीं हुआ क्योंकि मेरे एंड से मैंने सारी चीज़ें बताई हैं हाँ अगर आपको अदनान के एंड से चीज़ें जाननी है तो आप अदनान की कमेंट में जाके बोलो भाई बोल क्यों नहीं बोल रहा है एक इंसान अगर सच्चा होता है तो वो आके सामना करता है चीजों का और एक इंसान अगर गलत होता है उसको पता है मैं कहीं ना कहीं से कॉट हो जाऊंगा तो वो चुप्पी यू नो चुप्पी डाल के बैठे रहता है तो वही चीज अभी फिलहाल चल रही है लास्टली आप क्या चाहते हो कि आपकी चीजें जैसे अभी आप आए तो अभी आप क्या लास्टली गवर्नमेंट या पुलिस या जो भी हमसे क्या चाहते हो या फिर अदनान के साथ आपका रिश्ता कैसा रहे इसके बाद देखो आज जो इंसिडेंट मेरे साथ पुलिस स्टेशन में हुआ है दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल बिकॉज मैं एक लड़की हूँ मैं ऑल द वे फ्रॉम माहिम यहाँ पर आई हूँ ट्रैवल करके रात रात का टाइम वो भी और आप मुझ मुझे ये जवाब दे रहे हो कि तो आप हमें बताओगी क्या एंड यू नो इतना रूडली आप बिहेव कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी उस वर्दी पर भी मैं सवाल उठा पाऊंगी कि सर अगर आपको ये यूनिफॉर्म दिया गया है तो ये लोगों की यू नो हेल्प के लिए दिया गया है अगर आपके तरफ से ही हमें ये रिस्पॉन्स आएगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे यू you नो know, किस का दरवाजा हम खटखटाएंगे और बात आती है मैं क्या चाहती हूँ मैं यही चाहती हूँ कि जो इंसान ने गलत किया है मेरे मेरे ससुर के साथ में जिसने चोट पहुँचाई फिजिकल मेंटल और यू नो सोशल मीडिया पे जो गंदगी फैलाई है उसको जल्द से जल्द सजा हो बात आती है कि रिलेशन में कैसा चाहती हूँ तो अदनान के साथ मैं कोई रिश्ता यू नो नहीं रखना पसंद करूंगी बिकॉज एक इंसान ने आपको इतने दिन में मतलब जो भी मैं फेस कर रही हूँ इन चीज़ों से गुजारा है तो मैं नहीं चाहूंगी कि वो इंसान के साथ मैं वापस से चीज़ें नॉर्मल कर पाऊँ हाँ मेरे तक रहता तो शायद मैं कोशिश मैंने कोशिश की भी पहले भी बट अब बात आ चुकी थी मेरे शादी पर मेरे ससुर पर तो मैं तो ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल बात करना नहीं पसंद करूँगी थैंक यू थैंक यू सो मच होप आपकी चीजें जल्दी हो जाए सॉल्व वेल मैं लेती हूँ इनसे विदा और आप देखते रहे बजू का